हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और 2019 में यूएस के एरिया 51 के राज को खोलने के लिए 20 लाख लोगों ने एक साथ स्टॉर्म एरिया 51 इवेंट पेज पर साइन किया। पर ऐसा क्या था एरिया 51 में कि लोग ये करने पर मजबूर हो गए? वेल, जितनी दिलचस्पी आपको ये जानने में है, उससे कहीं ज्यादा हैरानी आपको ये जानकर होने वाली है कि यूएस ने 2013 तक इस बात के लिए कभी भी हाँ नहीं कहा कि उनके पास कोई एरिया 51 नाम की जगह भी। वहां हर चीज इतनी ज्यादा टॉप सीक्रेट रखी गई थी और रखी जाती है कि खुद उस देश की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन ने लोगों को ये कहकर वोट लिया था कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाती है तो उस एरिया 51 के सारे राज खोलकर लोगों के सामने रख दी। वेल, और अगर आप एरिया 51 के बारे में ऑलरेडी जानते हो या फिर नहीं जानते और ये सोचो कि यूएस के एरिया 51 से हमारा क्या ताल्लुकात है, तो वेल, ताल्लुकात है, क्योंकि एरिया 51 जैसे ही एग्जैक्ट जगह इंडिया में भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कहां? Well, वही बताने के लिए तो मैं आज ये लेकर आया हूं ये वीडियो। So, बिना समय गवाए, let us get on with our today's wonderful video titled India's own area 51. So friends, शुरुआत इसी बात को जानकर करते हैं कि एरिया 51 आखिर है ही क्या। So, well, ये लास वेगास से 80 माइल्स दूर नेवाडा में मौजूद वो जगह है जो यूएस साइंटिस्ट के लिए किसी रिसर्च लैब की तरह काम करता है। बट यहाँ पर कोई आम रिसर्च नहीं होता, बल्कि यहाँ पर रिसर्च होता है एलियंस पर और एलियन टेक्नोलॉजी पर, जो ऑब्वियसली काफी टॉप सीक्रेट होता है और जिसके राज यूएस गवर्नमेंट कभी भी दुनिया के सामने नहीं आने। यूएस गवर्नमेंट इसके राज को दबाने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रही थी कि जैसे मैंने बताया 1954 में एरिया 51 पर काम शुरू करने के बावजूद 2013 तक कभी भी गवर्नमेंट ने एरिया 51 का नाम कहीं नहीं मेंशन किया, और वहां पर एलियंस को लेकर रिसर्च होती है इस बात को भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया। बट सच को कहां कोई छुपा सकता है, सन 1954 के कुछ समय बाद ही यहाँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फ्लाइंग सॉसर्स लोगों को नजर आने लगे, और इतना ही काफी नहीं था तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने खुद ऐसे बोल्स लगाए और साथ ही में ऐसी बिल्डिंगें भी खड़ी की। बट सिर्फ इतना ही नहीं, एरिया 51 के ऊपर से उड़ने वाले पायलट्स तक ने ये रिपोर्ट किया कि जब वो इस एरिया के ऊपर से प्लेन्स को उड़ाते थे तब उन्हें महसूस होता था कि बादलों के बीच उनके प्लेन के ऊपर कुछ है। बट सबसे हैरान कर देने वाली बात तब सामने आई जब रॉबर्ट स्कॉट मजार नामक इंसान ने लास वेगास टीवी स्टेशन ग्लास को ये बताया कि एरिया 51 के ऊपर 9 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फ्लाइंग सॉसर्स की रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है और उसने वहां पर एलियंस को बात करते हुए सुना। हालांकि लजार के पास अपने बातों का कोई प्रूफ नहीं था और इस वजह से इन बातों को बेबुनियाद मान लिया गया। बट ये भी बात काफी इंटरेस्टिंग है कि आज की तारीख में भी इस जगह को हाई आर्मी प्रोटेक्शन मिलता है। तो सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज को प्रोटेक्ट की जा रही है यहाँ पर? क्या सही में इस एरिया का एलियन से कोई वास्ता है या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं? अब इससे पहले आप इन सवालों के जवाब ढूंढने के पीछे लग जाओ, ये मत भूलो कि कुछ सालों से इंडिया में भी एक ऐसा ही एरिया है जिसकी खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में वायरल हो रही है। So, क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या सच्ची में हमारे देश के पास ऐसा कोई एरिया है? और किन फैक्ट्स के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में भी एरिया 51 जैसी एक जगह है? Well, friends, इसका जवाब है शायद हाँ, क्योंकि इंडिया में एक नहीं बल्कि 5-5 ऐसी जगह है। सो सबसे पहले इस यकीन को पक्का करने वाली जगह है नंबर 1, पोखरण टेस्टिंग साइट। बिल्कुल, इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाने वाले पोखरण टेस्ट साइट को आज लोग इंडिया का एरिया 51 कहते हैं। और शायद आप भी मेरी ये बात सुनने के बाद यही कहोगे, क्योंकि आज से करीबन 2 दशक पहले भले ही यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग की गई थी, बट आज यहाँ की सिक्योरिटी उस वक्त से भी 5 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आज की तारीख में इंडिया की टॉप 5 एजेंसीज यहाँ पर 24/7 सिक्योरिटी चेक रखती है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ की बात दुनिया में ना फैले। बट सोचो, BSF कमांडोस, रॉ एंड मिलिट्री जैसी एजेंसीज जिस चीज की रक्षा कर रही है, वहां पर ऐसा क्या छुपा हुआ है? क्या है यहाँ पर जिसे चुराने की फिराक में ISI ऑफिसर और CIA को भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया? Well, गिरफ्तार किए हुए ISI ऑफिसर को यहाँ से मिट्टी और नाखून के सैंपल चुराते हुए पाया गया। तो क्या वो किसी के पैरों के नाखून को ढूंढ रहा था या फिर किसी के पैरों को छू चुकी मिट्टी से किसी चीज का पता लगाने की कोशिश कर रहा था? नंबर 2 पर आता है त्रिशूल एयरबेस। यह है इंडिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एयरबेस। पर एक एयरबेस का एलियन से क्या वास्ता हो सकता है? आखिर क्यों इस एयरबेस को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज के साथ जोड़ा जा रहा है? Well, इसकी वजह है MiG-25 फॉक्स बैट, इंडिया का वो सुपरसोनिक इंटरसेप्टर और रिकॉन्सेंस एयरक्राफ्ट
जिसके शोर ने आज से 25 साल पहले इस्लामाबाद पाकिस्तान में ऐसा शोर मचाया था कि पूरा पाकिस्तान ही हिल गया। वेटरन जर्नलिस्ट अमित बरुआ की बुक डेटलाइन इस्लामाबाद में MiG-25 फॉक्स बैट का मेंशन करते हुए उन्होंने ये कहा कि 1997 में जब इंडिया के इस तब तक के हेवीएस्ट फाइटर कैटेगरी एयरक्राफ्ट और फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट के सोनिक बूम का शोर किया तो पाकिस्तान के पास हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उनका सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट F-16 भी MiG-25 के सामने कुछ नहीं था। लेकिन त्रिशूल एयरबेस में इस एयरक्राफ्ट के होने की खबर दूसरे देशों को तो छोड़ो, खुद इंडिया के लोगों को नहीं थी। और ये खबर उन्हें 2006 में इस एयरक्राफ्ट के रिटायर होने के बाद मिली। और त्रिशूल एयरबेस के इसी सिक्योरिटी और सीक्रेसी के चलते लोगों को ऐसा लगता है कि अगर इंडिया में कोई UFO या कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी है तो वो यहां पर हो सकता है। इसमें आपका क्या मतलब? नंबर 3 पर आता है व्हीलर्स आइलैंड। इस आइलैंड को अब्दुल कलाम आइलैंड भी कहा जाता है, जिसे सेटअप करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। पर आज इंडियन स्ट्रेटेजिकल न्यूक्लियर मिसाइल और टैक्टाइल मिसाइल टेस्टिंग इस साइट को एरिया 51 होने के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर मौजूद इस बेस में, जो कि एक आइलैंड है, के आसपास UFO साइटिंग्स देखी जा चुकी। सिर्फ शिप की मदद से पहुंचे जाने वाले इस आइलैंड के पास ईस्टर्न कोलकाता में एक टैक्सी से UFO को 2007 में देखा गया था। और देखते ही देखते पहले स्पीयर से ट्रायंगल और फिर एक स्ट्रेट लाइन में शेप बदलते हुए इस UFO को देखने और उसका वीडियो बनाने वाले लोगों की वहां पर भीड़ जमा हो गई, जिसका वीडियो अगले दिन न्यूज चैनल्स की TRP बढ़ा रहा। और इस UFO की कहानी के बाद जब ये कहानी भी उतनी ही वायरल हुई कि जब बिरला प्लानिटोरियम के डॉक्टर डुवारी ने ये वीडियो देखा तब वो भी काफी सरप्राइज हो चुके थे। बट पब्लिक में वायरल हो चुकी इस UFO की कहानी को छुपाने और दबाने के लिए फुटेज में नजर आ रहे एलियन स्पेसशिप को वीनस प्लैनेट बताकर जल्दी रफा दफा कर दिया। बट जिन लोगों ने अपनी आंखों से UFO को देखा था आज भी वो इसे सच ही मानते आ रहे हैं। नंबर 4, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडियन ओशन में बसा ये आइलैंड एक आइसोलेटेड लैंड तो है, बट इस आइसोलेटेड आइलैंड पर बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर का आना जाना लगा है। यहां तक कि इस आइलैंड पर रिसर्च लैब्स और सेंटर्स भी बने हुए हैं। और ऐसे में ये सवाल सामने आता है कि अगर ये आइलैंड आइसोलेटेड है, अगर इस आइलैंड पर इंसान ही नहीं रह रहे हैं, तो आखिर साइंटिस्ट वहां पर रिसर्च सेंटर बनाकर क्या ढूंढ रहे हैं? वेल, इसका जवाब कुछ भी हो सकता है, लेकिन कई सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि यहाँ पर कुछ बहुत ही खुफिया किस्म का रिसर्च होता है, बिल्कुल कुछ उस तरह का रिसर्च जो एरिया 51 में होता है। शायद साइंटिस्ट यहाँ पर दिन रात एक करके ब्रह्मांड में मौजूद एलियंस को ढूंढ रहे हैं, या फिर उनसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उन्हें एलियंस ऑलरेडी मिल चुके हैं और उन पर रिसर्च जारी है। Who knows? Number 5, the Konkala Pass. 20th October 1959, 3 इंडियंस को बंदी बनाया। 21st October 1959, 9 इंडियन ऑफिसर्स को इंडो चाइना बॉर्डर पर मार डाला गया। उसी दिन 7 और लोगों को बंदी बना दिया। और क्यों? बस इसीलिए क्योंकि हिमालय में बसे इस कोंकाला पास, जिसका साउथ वेस्टर्न एरिया इंडिया में है और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया अक्साई चीन में है, वहां लोगों ने UFO साइटिंग और UFO को लैंड होते हुए देखा। इसी के साथ ही वहां पर अंडरग्राउंड UFO बेस होने की बात भी लोगों के सामने आने लगी, और शायद इसी बात की सच्चाई को छुपाने के लिए लोगों को अपनी जान तक गंवानी। बट ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, क्योंकि 1962 में कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां इंडो चाइना एनकाउंटर में वहां मौजूद ऑफिसर्स ने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर वो हैरान रह गए। और अपने इस अनबिलीवेबल इंसिडेंट की पूरी रिपोर्ट ऑफिसर्स ने PM ऑफिस तक पहुंचाई, जिसमें उन्होंने एक अनआइडेंटिफाइड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देखने की बात की, बट गवर्नमेंट का इस पर कोई रिएक्शन नहीं था। हालांकि कोंकाला पास में एलियंस के देखे जाने की खबर सुनकर खुद इसरो के साइंटिस्ट डॉक्टर अनिल कुलकर्णी 2004 में अपने 4 लोगों की टीम के साथ वहां पर गए, और उनकी एलियंस में दिलचस्पी बेकार नहीं गई, क्योंकि एक शाम उन्हें और उनकी टीम को एक UFO नजर आया था, पर दूर से उनकी तस्वीरें लेकर जैसे उसकी टीम उस उड़न तस्करी के पास पहुंची वो रुक गया, उसने अपना रास्ता और रंग बदला और डॉक्टर की टीम से दूर चला। और डॉक्टर कुलकर्णी के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट UFO ही था और कुछ नहीं। अब फ्रेंड्स, सो ये सारी बातें और ये सारे न्यूज इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंडिया में भी एलियंस या एलियन को ढूंढने वाले बेसिस हो सकते हैं, पर ऑब्वियसली हमें पक्के सुराग अब तक इतने नहीं मिल पाए। बट इसके अलावा मैं एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव भी प्रेजेंट करना चाहूंगा, जो मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है। मेरे हिसाब से हम ह्यूमंस का एक वियर्ड फैसिनेशन होता है टुवर्ड्स स्टोरीज एंड कॉन्स्पिरेसी थियरीज,
वी जस्ट लाइक टू फिल इन द ब्लैंक्स, और इसीलिए अगर किसी चीज की हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हमारा ब्रेन एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लेता है जो उस इंफॉर्मेशन के बीच में गैप को फिल करता है, और इसका रिजल्ट होता है कॉन्स्पिरेसी थियरीज, जो सुनने में हमें बड़ा मजा आता है बिकॉज दे प्रोवाइड इमोशनल एक्साइटमेंट टू अस एंड एट द सेम टाइम इट बिकम्स वेरी शेयरेबल एज़ वेल। सो अब तक का जितना नॉलेज मुझे है साइंस के बारे में और फिजिक्स के सिद्धांतों के बारे में, आई थिंक इट्स वेरी अनलाइकली कि एलियंस वहां पर मौजूद रियल में होंगे। और ऐसा ही कुछ बाद में कुछ रिपोर्ट्स ने एरिया 51 के बारे में भी कहा। यूएस की अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो नेवाडा में मौजूद इस बेस का नाम न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट के एरिया 1, 2 और 3 की वजह से पड़ा। उस एरिया के पास ही मौजूद न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट के एरिया 1, 2, 3 में बटे होने की वजह से मिला, जिसे प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहोवर ने 1954 में अपने हाई ऑल्टीट्यूड रिकॉन्सेंस प्रोग्राम के लिए चुना था, जहां पहले यू-2 प्लेन्स की मेकिंग और टेस्टिंग की गई थी और फिर SR-71 ब्लैकबर्ड की, और अब न जाने कितने ही दूसरे प्लेन्स की मेकिंग और टेस्टिंग वहां पर की जा रही है। और साथ ही यू-2 जहां पर 60,000 से 70,000 फीट जितने ऊंचाई पर आसमान में उड़ने के लिए जाना जाता था, वहीं SR-71 80,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिसके चलते ये कहा जाता था कि पायलट्स को उनके प्लेन के ऊपर किसी होवरिंग ऑब्जेक्ट के होने का शक होता था। वेल, बिल्कुल वो वही एयरक्राफ्ट्स होते थे, जिनका सच बाय द वे दुनिया से छुपाने के लिए यूएस गवर्नमेंट्स ने ऐसी चीजें बनाकर दिखाना शुरू कर दिया। और अब यानी कि आज की तारीख में यूएस एयरफोर्स ने इस पूरी जगह को अपने अंडर ले लिया है और वहां पर किसी भी आम इंसान को आने की इजाजत नहीं है, जैसे उन 20 लाख लोगों को जिन्होंने एरिया 51 में एक मजाक के चलते बात का पतंगड़ बनाकर एक साथ वहां घुसने का प्लान तो बना लिया, बट यूएस एयरफोर्स ने उन लोगों को पहले ही फटकार लगाकर गलती से भी ट्रेसपास करने पर कड़ी सजा देने का वार्निंग दे दिया। अब हालांकि ये सब सुनकर आपको एरिया 51 की मिस्ट्री के सारे पजल पीसेस एक क्लियर पिक्चर फ्रेम करते हुए नजर आ रहे हैं, बट जरा सोचो ये भी तो हो सकता है कि ये यूएस गवर्नमेंट की कुछ चाल। Well, आपको क्या लगता है, क्या आप सच में इन एलियन की थियरीज पर विश्वास करते हो, या फिर आपको लगता है कि यूएस गवर्नमेंट जो कह रही है वो बात सही है या फिर कोई और राम कहानी है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेज बढ़ाओ वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लाते रहूंगा। See you in another one. Till then, as always, stay curious, keep learning, and keep growing. Jai Hind.